एग्जाम्पल टू परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स नंबर ऑफ स्टेट्स बात करो 15-25% फीमेल टीचर जैसे हरियाणा हुआ या और कहीं पर है तो वहाँ ज्यादा फीमेल टीचर नहीं, J&K में भी ज्यादा फीमेल टीचर नहीं है। तो ऐसे कितने स्टेट हैं जहाँ 15% ही फीमेल टीचर है, 15-25% और कहाँ पर 25-35 है, 15% फीमेल टीचर है यानी वो फीमेल डोमिनेटिंग हुआ। तो ऐसे 11 स्टेट्स हैं, दिस इज 7 स्टेट्स, 4 स्टेट्स, 2 स्टेट्स हैं, 1 ही एक ऐसा स्टेट है जो कि केरला है जहां पर कितने टीचर है बताओ, समझ में आ रही बात। सो अब हमें इस डेटा के बेसिस पर हमें मीन निकालना है कि इंडिया में एवरेज कितने फीमेल टीचर हैं अगर सारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को मिला दिया जाए और किसी भी स्टेट को रेंडमली उठाया जाए तो हम कितना मान के चले वहां कितने परसेंट फीमेल टीचर होंगे, वास्तव में इसका मीन निकालना है ना। तो बताया गया है इस क्वेश्चन को आज के में यू से किया गया है बाय स्टेप डिवीजन, पढ़ो एग्जाम्पल टू। सो फाइंड मीन बाय स्टेप डिवीजन मेथड, मीन बाय स्टेप डिवीजन मेथड। तो ये जो दिया गया है ये फ्रीक्वेंसी है जिसको कि FI कहा जाएगा। अब FI के बाद अब हमें इसका क्लास मार्क चाहिए, नेहा सभी के क्लास मार्क बताओ, बताओ X1 कितना होगा और कोई मत बताना, दैट इज क्लास मार्क XI बोलो, लेट कर रही हो सृष्टि आप बताइए, 20 अगला बताओ, अरे बीच में 30 उसी को बताने दो ना, माइंड की एक्सरसाइज करें कुछ देर, तो अगला बताओ 40 इसका बताओ 70 रुक जाओ मैं बताओ 89 आप बोलो नेहा, जोड़ के दोनों को ऐड करो और बाई 2 करो 80, इसका 70 इसका और इसका 50 ठीक है। अब इसमें एक अज्यूम्ड मीन मान लिया गया है, अज्यूम्ड मीन मान लिया किसी एक को मान लो, अच्छा आहाना अब मुझे इसमें तुम डेविएशन बताओ फिर हम बाद में यू निकाल लेंगे, पहले डी आप बताओ, माइनस 30 माइनस 20 हाँ 30 रोमिल यू आई क्या होता है, अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है सार्थक। मनीष यू आई क्या है, डी आई अपॉन एच, कुछ लोगों के लिए इतनी कठिन क्यों हो जाती चीज, रोमिल के लिए हर चीज कठिन हो जाती है, सरल भी जादूगिरी है कोई। हाँ रोमिल बताओ यू आई की वैल्यू, डी आई बाई एच करो, एच की वैल्यू बताओ
एच 50 है, 10 यानी आपको क्लास साइज नहीं आया अभी 4 दिन के से, कोई बात नहीं अब आ भी नहीं पाएगा। सो क्लास साइज क्या होता है एच? हाँ क्लास साइज नहीं है, ठीक है, तो 25 माइनस 15 जो कि 10 है। अब सभी के यूआई बताओ, डी आई बाई एच करती जाओ, बताओ जरा, आप तो बता ही दोगे। हाँ बोलो, माइनस 3, हाँ चलो, अब मुझे एफ आई यू आई भी आप ही बताइए नेहा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम देख लें कि नंबर ऑफ स्टेट्स दैट इज सिग्मा एफ आई कितना होता है, इसी को ऐड करो, तो दैट इज 17 प्लस 7 34, ठीक है, और 34 प्लस 4 38 प्लस 4 42, 45 हुआ, कितना 17 प्लस 7 24, ठीक है, That is 35। अब यहाँ देखो, इन तीनों को ऐड करो और इसको भी ऐड करो, कितना माइनस 44 और यहाँ माइनस 47 और दिस इज 11। अब इन दोनों को कंप्यूट करो, माइनस 36, ठीक है। सो सिग्मा एफ आई यू आई इट इज माइनस 36 एंड हाँ रोमिल, अब मुझे स्टेप डेविएशन का फार्मूला आप बताइए। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई प्लस सिग्मा एफ आई मैं इसको अच्छी मार लिया, तो फिर से बोलो जरा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इनटू एच, सही है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इनटू एच। सार्थक सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है आपको, करो 50 प्लस 36 अपॉन 35 इनटू 10। अच्छा किया है काम आपने, अब इन दोनों को कट कर दो 5 से, 5 टू 10 और ये 7 आ गया, तो 50 माइनस 72 बाई 7 और 7 से मल्टीप्लाई करो जरा, That is 350 और माइनस 72 बाई 7, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 8 आ गया, 14 में से 7 आया, अब 278, That is 278 बाई 7, 7 से करिए 278, 7 3 जा 21 और 68, तो 7 9 3 7 और 50 49 49, इतना ही दे रहा क्या, और आगे भी है, सो दैट इज 2 डेसिमल प्लेस तक तो देता ही है, तो 39.71। तो ये क्या चीज हो गया, द एवरेज परसेंटेज ऑफ टीचर, ठीक है, सो मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर इज 39.7। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखने लायक है। इसमें जो क्लास साइज है वो नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन फिर भी हम स्टेप डेविएशन से आपने कहा था ना 3 डिजिट तक होता है डेसिमल, दो तक ही दे रहा है, आगे की क्लासेस में हो सकता है 3 डिजिट तक, ठीक है, 11th में जाओगे तो हम 2 ही निकाले, 2 तक 3 तक करके 2 पे राउंड ऑफ कर, मतलब जैसे ऐसे करना पड़ता है ना, 2 डिजिट तो आपको सही चाहिए, लेकिन कई बार क्या होगा कि 3rd तक करके
टू डिजिट पे जाओ। अब देखो नाउ हैंड लगे तो बता देना। सो नंबर ऑफ विकेट्स एग्जांपल थ्री, नंबर ऑफ विकेट्स तो 20 से 60 अपने जीवन काल में सिर्फ इतने ही विकेट ले पाए हैं, ऐसे 7 बॉलर्स हैं। नंबर ऑफ बॉलर्स 7 बॉलर इतने घटिया हैं, लेकिन सभी की स्थिति अच्छी ऐसी नहीं है, अच्छी भी है। जो 60 से 100 तक ले पाए हैं ऐसे 5 बॉलर हैं, जो 100 विकेट से 150 तक ले पाए हैं ऐसे 16 बॉलर्स हैं, और 150 से 250 तक भी ले लिया है ऐसे 12 बॉलर्स हैं। 250 और 350 दैट इज 2, और ज्यादा भी ले लिया है जैसे अनिल कुंबले, हरभजन सिंह टाइप, शेन वार्न, सो दैट इज 3 बॉलर्स, 450 विकेट भी ले चुके हैं। तो अब आपको सौम्या का ये जो क्लास इंटरवल है ये यूनिफॉर्म दिख रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म बोलो? यहाँ कितने का क्लास साइज है, यहाँ कितने का है? 100 का। अब जैसे आप पहले लोगों को बता नहीं थी, आप खुद अब बताइए इसका क्लास मार्क क्या है। हाँ बोलो सौम्य बताऊं। हाँ 80। बीच में मत बोलो ऐसे। नहीं हाँ। बोल रहे सर, कोई नहीं बोल रहा। हाँ 125। चलो कौन बताएगा, पीयूष तुम बताओ। नहीं 125 ही तो है। 125 बोला था। हाँ। अच्छा मैं सुन नहीं पाया। ये बताओ 200। अगला बताओ 300 400। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसको एज्यूम्ड बीन चुन लिया, ठीक है, तो एज्यूम्ड बीन इसको हमने ले लिया है बुक में 200 को लिया, जिससे सारे 100 टाइप की रहे, सब्ट्रैक्ट करना ना, नॉन यूनिफॉर्म तो है ही है। इन्होंने अगर इसको लेंगे तो 5-5 के उसमें आएगा, तो इन्होंने ऐसा ले लिया है कि सिंपल रखने के लिए किसको ले लिया, 200 को ले लिया। ऐसे किसी को भी लिया जा सकता है जो बुक में लिया भाई। अच्छा अब बताओ दैट इज दिव्यांगी, आप मुझे डी आई बताइए। 200 है, जरा करो सब्ट्रैक्ट। डी आई क्या होता है, फार्मूला पहले बताओ डी आई का। करो एक्स आई माइनस ए, कहिए जरा सब में। अभी आपसे पूछेंगे आपके लेवल का आएगा। सुप्रिया बताओ। माइनस वन ट्वेंटी हाँ मनीष आगे बोलो। माइनस अगला बोलिए। अच्छा अब जनरली अगर आप देखो तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या चीज है जो सभी में फैक्टर है ज्यादातर में? 40 का भी नहीं हो रहा, 20 का तो हो रहा है ना, या तो 20 से भी सब डिवाइड है या 25 से डिवाइड है। ओके तो इन्होंने 20 से किया, मोस्टली एक नहीं हो पा रहा है, एक को देख लेंगे, लेकिन जनरली सब में 20 का तो फैक्टर आ रहा है ना, तो एक कॉमन मल्टीपल। तो आप यू आई को क्या लिखोगे? डी आई बाई 20 लिख देना, एच ना लिख के सिंपली क्या लिख देना, एच वैसे क्लास साइज के लिए होता है, तो क्लास साइज तो यहाँ यूनिफॉर्म है नहीं, तो इन्होंने देखो यू आई को क्या लिख दिया है, एच वर्ड नहीं यूज किया है, एच तो क्लास साइज होता है ना, तो बाई 20 लिखा है, देख लो बुक में। माइनस 3 ये सब नीचे लिखा है,
अब इसमें आप किससे करना चाहते हो जो ज्यादा सिंपल हो जाए, 20 करने से सही हो जाएगा। करो जरा यशिका, करो 20 से डिवाइड करो डी आई को। 100 से ज्यादा इतनी है, इतना माइनस 8 करो, क्योंकि 20 है ना, 0 तो ऐसे ही कट गया। अगला बताओ, माइनस 6। अगला 75 में 20 से डिवाइड करो, 23 जा 61, 5 बचा तो 27 जा तो कितना आ गया बोलो, 25 जा तो ये कितना हो गया -3, ये 0 हो गया क्योंकि डी आई बाई 20। ये कितना हुआ, मैं चाहूँ तो सर 10 ले लूँ। हाँ हाँ 10 भी ले सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, 10 से भी कर सकते हो। हाँ और बोलो, दैट इज 20 से किया तो 10, इतनी बात हो गई। तो वो इट इज एट योर डिस्क्रिप्शन। नाउ एफ आई यू आई, प्रवीण बताओ सारी वैल्यू एफ आई यू आई। माइनस यहाँ से करोगे ना नंबर, यही एफ आई है तो एफ आई का किससे मल्टीप्लाई करो, -56 -30। अब इसको करना पड़ेगा, 3.75 इंटू 16, 5 जा और 16 7 जा 112 और 8 जोड़ दो 120 और 16 3 जा 48 में 12 जोड़ो 60 तो कितना आ जाएगा 0। और यहां बताओ 10 और बताओ, दैट इज 3 है तो 30, इन दोनों को जोड़ दो तो 40 आया। और यहां से क्या आ सकता है 90 146 -146 में +40 जरा सब्ट्रैक्ट तो करिए, सिग्मा एफ आई यू आई इज -106। इतनी बात समझ में आ गई। अब नया फार्मूला बताओ स्टेप डेविएशन का। अब हमें एक काम और करना है, सिग्मा एफ आई कितना बताओ, कितना 45। ठीक है, ये 45 है। सो सार्थक बेटा एक बार बताओ स्टेप डिवीजन का फार्मूला। रोमिन ए प्लस सिग्मा से सिग्मा का यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इनटू एच। चलो सो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इनटू एच। ए की वैल्यू कितनी रखते हैं रोमिन, 200 प्लस -106 ब्रैकेट लगाइएगा और बोलो अपॉन 45 और इनटू 20। वैसे वो एच नहीं, लेकिन फार्मूला तो हमारा बदलता नहीं, फार्मूले में तो वही लगेगा। चलो तो 200, अच्छा ये दोनों कट जाएंगे तो 54 जा और 59 जा, 9 से तो ये नहीं कट रहा है तो कितना हो जाएगा -4 से मल्टीप्लाई करो तो 424 और डिवाइडेड बाय 9, एलसीएम लो और 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और -424 बाय 9 तो बोलो 1800 में से 400 गया तो 1400 तो दैट इज 1300 और 24 भी कम कर दो तो 76 अपॉन 9। अब 9 से डिवाइड 1376 91 इज 9 47 45 फिर 26 सो 9 2 जा 18 तो यहाँ 8 बच जाएगा, ऐसे मैं लगाओ तो 9 8 जा 72 फिर 8 बच गया तो 8 8 ही आया। लेकिन अगर एक और 8 लें और फिर इसको राउंड ऑफ करें तो कितना, क्योंकि 8 तो आता रहेगा ना, क्योंकि हमें 2 डिजिट तक चाहिए लेकिन 3 डिजिट निकाल के तो राउंड ऑफ करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज 152.888, इट इज 152.89 अप्रॉक्स। और इसकी यूनिट क्या, ये क्या चीज है,
तो द मीन नंबर ऑफ विकेट टेकन बाई ए रैंडम बॉलर या दृक्षा चुने जाने वाले किसी एक खिलाड़ी या गेंदबाज के द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या का माध्य ये पाया गया. सो मीन नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाई मीन नंबर ऑफ विकेट टेकन बाई ए रैंडम बॉलर बस टेकन आर इतना ही लिख दो, ज्यादा नहीं लिखना है. 152.8 ठीक है. अब ये सब हम हटा दे रहे हैं. ओके यहाँ से आप एक एग्जांपल 3 और एक एग्जांपल 2 पर दोनों को स्टैबिलाइजेशन मेथड से करना है. परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर दिए हैं, दैट इज परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 65 to 75 और 75 में. तो सेकंड में उसमें कोई से भी मतलब यूए वाले से ले. हाँ कौन से वाले बताओ, कौन से बताइए. आप इसमें दो मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं यूआई का मेथड इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन में हम अपनी तरफ से सेलेक्ट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नहीं तो 160 जरा बड़े बड़े हैं, थोड़ा भी छोटा हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है ना. तो इसे भी स्टेप डेविएशन से करो, इसे भी यूआई वाले से करो दोनों को. 6, 11, 7, 6, 11, 4, 4, 2, 1. तो फाइंड मीन नंबर ऑफ टीचर्स दोनों में. वो तो वही आएगा. आप कोई भी नहीं, बस सही कैलकुलेशन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं. 100 से इजी और पड़ता है. मीन भी कोई ले सकते हो, 175. अभी तुमने तो उतारा लेकिन नहीं जा रहा है. ऐसे में उतारने जा रहा तो जीरो लगाओ क्योंकि वो जो डिजिट तुमने उतारा ठीक है. तो ऐसे किया जाता है, फिर से बहुत बड़ी बात पूछी. यहाँ देखो हम दूसरी तरीके से बताएंगे ना, सबके लिए अच्छा हो जाएगा. बड़ी चीज है, सृष्टि का डाउट है, सृष्टि का ही डाउट है लेकिन सबका क्लियर हो जाएगा. इसका एक वैदिक मेथड है ना. देख लो जैसे कई बार हम लोग डाउट में आ जाते हैं कि 7 से 72 में हमने डिवाइड किया, तो 7 से 72 में करने पे लिखो 7 1 या 7, अब फिर 2 साठ या एक डिजिट तो आ सकते हैं, तो लिखो 7 0 या 7, 7 0 या 0. अब 2 उतारा, बात समझ आई. और अब तुम्हें अब एक डिजिट से डिजिट तो खत्म हो गए, तो अब बिस्मिल्लाह. ये ज्यादा अच्छा है कि नहीं, क्योंकि एक डिजिट उतारो और फिर भाग दे ही दो. फिर समझ, फिर से समझो. जैसे मान लो 13 है, 1304, ये देखो फिर से देखो, ये है तो 13 1 is 13. एक डिजिट उतारा कितनी बार जाएगा, 1 बार की 0 बार, 0 बार. तो 13 0 या 0, अगला उतारो कितनी बार जाएगा, 1 बार की 0 बार, 0 बार. ले लो 0 बार. 13 0 या 0, अगला. अरे तो खत्म हो गया, लो डेसिमल लगा के अब ये कितना आसान है ना. आसान बात समझ में आई कि नहीं. ये काम ज्यादा अच्छा है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है. पॉइंट जब तुम्हारे डिजिट खत्म हो तो पॉइंट लगा के और 0 बढ़ाओ. रुक जाएंगे. हाँ बोलो. जब तक तुम्हारे पास डिजिट है एक एक करके उतारते जाओ.
फिर भी नहीं जा रहा तो जीरो बार ले जाओ। सर एक काम करो, हमें रुक जाओ, जब तक डिजिट है उतारिए 13 0 या 0। अब जब सारे डिजिट खत्म तब डेसिमल लगाते और बोला है ना आसान। अब गलत नहीं होगा ना आपसे, ये ऐसे ही मेथड यूज करो, ये बहुत अच्छा है। चलो ये यूट्यूब का मेथड चलो तेरी बोर्ड मिटाना मत, मना सब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आप ये यूआई वाला मेथड अपनाएंगे, बार बार डीआई निकाल ही नहीं निकालेंगे वो, कुछ लोग भी निकालते हैं। जैसे ये नॉन यूनिफॉर्म है ना, अपने आप पर ध्यान दें। बुक बंद कर देना, मिल जाएंगे। देखो आज भी 4 घंटे की सुबह, 4 घंटे दिक्कत है ना, 8 घंटे की क्लास है। और यहाँ आने से पहले भी अभी कैलिफोर्निया का प्रवचन था गीता का, वो करके हाँ वहाँ करो, वहाँ इंग्लिश पे बोल के आया अभी। अब मुझे लग रहा है कल परसों में 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी ना टाइमिंग, मेरे पास उनके घर का तो प्लास्टर हो गया। देखें आज पूछें सुप्रिया, अपना काम नहीं किया तुमने। मूड क्या होता है पहुलक, उसको माध्य कहते हैं, मीन को, मीन तो माध्य कहलाएगा। द डेटा हूज फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट, या ये कह सकते हैं विच अकर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, विच most number of times is called mode, इसको mode कहेंगे। ये सबसे ज्यादा बार है, जैसे कि number of wickets, okay, and number of matches, किसको चाहिए? ये दे दो। So number of wickets and number of matches, तो 0 wicket, 1 wicket, 2 wicket, 3 wicket, 4 wicket, 5 wicket and 6 wickets, तो किसी एक खिलाड़ी के बारे में कहा है उसके कैरियर में उसने अधिकतम 6 wicket ले रखे किसी मैच, बहुत बड़ी बात है। एक मैच में 10 खिलाड़ी होते हैं, वो 6-6 विकेट खुद ही लेके बैठा है, एक खिलाड़ी ऐसा। उसने अपने मैच में जितनी इनिंग्स खेली हैं, ऐसा भी उसके साथ हुआ कि बेचारा एक भी विकेट ही नहीं ले पाया उस पूरी इनिंग में, बॉलर था। एक मैच कई मैच खेले लेकिन 0 विकेट
के भी कई मैचेस थे, वो विकेट नहीं ले पाया बॉलर होते हुए भी। ऐसा उसके जीवन काल में एक ऐसा मैच आया, एक मैच उसने ऐसा खेला उसी खिलाड़ी ने जिसमें उसने एक विकेट लिया, और तीन मैच में उसने दो विकेट लिए, बल्कि दो मैच में तीन विकेट लिए, उसने कई बार चार विकेट भी लिए और मैन ऑफ द मैच बना, फाइव विकेट भी लिए और मैन ऑफ द मैच बना, और सिक्स विकेट भी लिए, हिस्टोरिक मैच भी खेले। कुंबले तो ऐसा खिलाड़ी था जिसने 10 विकेट लिए, सब उसी ने ले लिए। अभी जरा देखो, तो ऐसी स्थिति में ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, यानी जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स है, सो दैट इज ही हैज टेकन टू विकेट्स इन मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सो टू इज द मोर। दो विकेट उसने तीन बार लिए हैं, ऐसा और कोई फ्रीक्वेंसी है जो हाईएस्ट है, तो मोड क्या हुआ, टू। यही चीज पता गया द डेटा विच अकर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सो ही हैज टेकन टू विकेट्स इन मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। बाकी कभी एक मैच दो मैच में तो उसने अलग लिखे, तो क्या लिखोगे, मान लीजिए कि देखो जीरो विकेट लिए, एक विकेट लिए, फिर दो दो विकेट कितनी बार लिए उसने, दो विकेट लिए, फिर तीन विकेट कितनी बार लिए, उसके करियर का बता रहा हूँ, फोर और फाइव और सिक्स, बोलो ये उसके मैचों की संख्या है, बताओ उसने कुल कितने मैच खेले, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, इन द 10 मैचेस प्लेड बाय दैट प्लेयर ही हैज टेकन टू विकेट्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सो टू इज द मोड। देखो टू सबसे ज्यादा बार आया कि नहीं, सर टेबल बनाने की बनानी कुछ नहीं, एक लाइन में लिखना है, इन मैचेस प्लेड बाय हिम ही हैज टेकन टू विकेट्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सो टू क्या हो गया, टू इज मोर। जो बहुत बार आए उसे बहुलक कहते हैं, है ना, जो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। वास्तव में डेटा ही मीन मीडियन मोड होता है, फ्रीक्वेंसी कभी कुछ नहीं होती, फ्रीक्वेंसी तो संख्या है, फ्रीक्वेंसी से क्या लेना देना, नहीं। सो सृष्टि क्या मोड एक सेंट्रल टेंडेंसी है, मोड भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है, एंड इट इज इजियर टू फाइंड आउट इफ इट इज डिस्क्रीट डेटा। लेकिन जरा देखो, अगर डेटा कंटिन्यूअस हो तो क्या हो, ये हटा दे रहा हूं ऊपर वाला, और सबने पेपर जमा कर दिया, किसी का बात की है। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 5, फॉर कंटिन्यूअस डेटा मोड कैसे निकालेंगे, हमने क्वेश्चन पेपर पे ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, और देखो फिर से वही एग्जांपल नंबर 5, दैट इज फैमिली साइज, ये हम 7th क्लास से सीखते चले आ रहे हैं, 6th 7th से यही सब सीखते चले, जो सबसे ज्यादा बार आया वो मोड है, लेकिन अब जो सीखना ये चीज, तो हाँ पेपर जमा कर दो। अब देखो 1-3 जिसके परिवार में 1-3 सदस्य है, 3-5 ठीक है, अपर लिमिट एक्सक्लूडेड है सभी की, 5-7 7-9 लोग भी किसी परिवार में है, और 9-11 भी हैं, चाचा दादा सभी लोग हैं परिवार में, तो ऐसा कितने फैमिली हैं किसी कॉलोनी में, सो दैट इज 7 फैमिलीज ऐसी है जो माइक्रो फैमिली हैं, और कुछ मीडियम साइज्ड फैमिली हैं, और कुछ मैक्रो फैमिली हैं जो बहुत बड़ी है। नाउ अब हम इसमें देखेंगे मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास इज दैट क्लास हूज फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट। देखो मॉडल क्लास क्या होगी, मॉडल
क्लास इज दैट क्लास, तो क्या ये क्लास मॉडल क्लास होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो इसे क्या लिख रहे हैं, मॉडल क्लास। इसी में कहीं पे बीच पे कोई चीज आएगी, मोड आ जाएगा। मोड क्लास क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, जो सबसे ज्यादा बार आए फ्रीक्वेंसी, तो जो सबसे ज्यादा टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हिच अकर्स दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास। अच्छा, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 कहेंगे और उसके प्रीवियस वाली को क्या कहेंगे, और इसके अगली वाली को F2 कहेंगे। मॉडल क्लास में जो 3 है उसे क्या कहेंगे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास को L कहेंगे। और क्लास साइज H, जिस जैसा कि नेहा ने बताया कि अपर लिमिट माइनस लोअर, चलिए तो इतनी ही चीजों की जरूरत होती है, और आपको इन क्वेश्चंस में टेबल नहीं बनानी पड़ती, सिर्फ आपको लिख देना होता है। क्या क्या लिखना पड़ेगा, मॉडल क्लास इज 3 to 5, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास वाली थी कि नहीं, वो कितनी है, दैट इज 3। क्लास साइज एच इट इज इक्वल्स टू 2, कैसे निकाला बताओ, 5 - 3, ठीक है। अच्छा, एफ नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी, बोलो यश, एफ नॉट क्या है, नहीं वर्ड में तो बोलो, एफ नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, उस क्लास की जो मॉडल क्लास से पहले आती है उसकी बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास वो कितना है, That is 7 F naught. Now, अब एक लग ये F2 क्या है? Frequency of class succeeding model. बहुत अच्छा. That is frequency of class succeeding to model class. जो कि 2 है. सुप्रिया F1 क्या है? बोलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज कितना है बताओ, एफ वन 8 है। अब सृष्टि तुम मुझे मोड का फार्मूला बताओ, एल ब्रैकेट में एफ एल प्लस एल प्लस ब्रैकेट में एफ बहुत अच्छा, तो दैट इज मोड का क्या फार्मूला है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो और 2F1 माइनस एफ जीरो माइनस F2 और into H, फिर पिता बताओ, L plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 bracket of into H। अभिषेक बताइए, L plus F1 minus F2, नहीं ऐसे नहीं होगा, L plus bracket F1 minus F0 upon 2F1 minus F1 minus F2 bracket goes into H। हाँ बताइए आप, तो अब इसमें अंशिका मुझे सारी वैल्यू फीड करवा दो, सर L3 + 8 - 7 - 2 8 - 7 - 2 ठीक है।
तो दिस इज 3 प्लस 1 बाय 16 माइनस 9 और इनटू 2 तो कितना हो गया बोलो 1 बाय यहां कितना आया 7 और इनटू 2 तो 3 प्लस 2 बाय 7 एलसीएम ले लो तो 7 नीचे आया और बोलो 7 3 जा 21 प्लस 2 तो कितना आ गया 23 बाय 7 अब 7 से डिवाइड करो 23 7 3 जा 8 7 8 जा 56 4 बचा और 7 5 जा 3.285 आंसर है देखो 3.28 इसका मतलब एक डिजिट और लिया चार डिजिट तक लिया 35 पे 5 बचा तो 7 7 जा तो पहले चार डिजिट तक लो फिर 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करो 3.2857 सर हमें कितने तक लेना मैक्सिमम भाई देखो 3 डिजिट तक हमेशा सेफर रहता है हमने अभी 4 डिजिट तक लेके 3 तक कर रहे हैं हां तो 3 डिजिट तक आप मतलब कर लो 3.285 अब देखो 4 डिजिट तक लिया है अब फिर राउंड ऑफ 3 तक कर रहे हैं तो फिर कितना होगा 3.286 लिख लो और यहां अप्रोक्स लिख दो 3 डिजिट तक तो तभी निकाल पाओगे जब 4 तक करोगे वरना राउंड ऑफ कैसे करोगे नाउ अब देखिए ये क्वेश्चन यहां रहेगा आप हमको मोड निकाल के बताइए एंड फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपकी बुक का है और साथ ही साथ में उसमें कहा है मीन भी निकालो दोनों ही निकालो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन अगला ये यहां रहेगा इसी से देख के आपको करना सो एक्सरसाइज 14.2 की 13.2 है 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करो उसमें मीन हम किसी भी तीनों मेथड हाँ मीन एंड मोड पूछा गया है माइनस वन हो जाएगा ना सर यूआई वाले में 0 माइनस वन माइनस